दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक लैपटॉप है जिसके अंदर मैंने आपको प्रीवियसली इसके अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर विंडोज को एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ, जो कि हमें काफी दिक्कत आती है विंडोज इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन आपको बता दूं कि विंडोज एक्टिवेट करना एक पेड मेथड होता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल फ्री मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों देख सकते हैं ये है वो लैपटॉप जिसके अंदर मैं आज आपको विंडोज 10 को एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूं। तो इसी लैपटॉप के अंदर मैंने प्रीवियसली आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करके दिखाई थी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये विंडोज 10 इसके अंदर इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर अभी विंडोज एक्टिवेट नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिवेशन में जाना है हमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे इस विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए या तो हमें यहाँ पर इसकी की खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री मेथड बताऊँगा कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ और डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ बिल्कुल क्लियर। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेशन यहाँ पर नहीं है हमारी विंडोज़। तो चलिए इसको कट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है विंडोज़ 10 एक्टिवेटर .txt। तो यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी, इसको नीचे जाना है आपको, और ये ऑप्शन दिखेगा टू वेज टू एक्टिवेट आपका। तो यहाँ पर इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अब आपको बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखेगा, तो आपको इसको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं विंडोज प्लस आर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर आपको नोट पैड लिखना है और इसको ओके कर देना है। तो नोट पैड लिखते ही यहाँ पे आपके सामने एक नोट पैड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको सब कुछ पेस्ट कर देना है जो भी आपने कॉपी किया था। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट WRP रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव इसको जो भी इसमें नाम है पहले से आपको वो नहीं रहने देना है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्टिवेटर .bat। दोस्तों .bat ही आपको फॉर्मेट यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर आप इसको सेव कर देना। अब यहाँ से आप सब कुछ कट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर वहाँ पर जाना है हमें जहाँ पर हमने ये सेव करी है फाइल। तो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल सेव करी है, तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेटर आपको शो हो रहा होगा। अब इस पर राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है इसको। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को होने देना, कुछ भी छेड़खानी मत करना इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको वाई प्रेस कर देना है। वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पर कोई वेबसाइट खुलेगी, इसको कट कर देना। अब यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये हट जाएगा यहाँ से। तो जैसे मैंने एंटर करा तो देख सकते हैं ये हट चुका है। अब यहाँ पर आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना, जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ यहाँ पर PC को रिस्टार्ट। तो मैंने PC को रिस्टार्ट कर लिया है। तो चलिए आप चेक करते हैं कि हमारी विंडोज़ यहाँ पर एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद अब हमें जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेशन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी विंडोज़ एक्टिवेट हो चुकी है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक और हमें इशू अपने PC के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से टेस्ट मोड का वाटरमार्क देखने को मिलता है, जिसको मैं हटाना आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको विंडोज़ एक्टिवेट करके दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय दोस्तों।